आज का सफ़र हमने शुरू कर लिया है जयपुर की खाली सड़कों से 4:49 पे। और आज हम ओला उबर रैपिडो की राइड लेके नहीं आया है, हम निकले हैं भाई स्विगी का एक ऑर्डर लेके। शुरुआत स्विगी से की जाएगी आज, काम है नहीं तो मॉर्निंग में बजने का कोई चांस नहीं है, तो इसी वजह से हम आज स्विगी को पकड़ लिए हैं और चल दिए हैं अपने टारगेट की तरफ। मॉर्निंग में 8 बजे तक भाई राइड बहुत कम रहेगी, इसी वजह से चलाएंगे। और इसके बाद में जब पीक आवर टाइम चालू हो जाएगा फिर हम अपनी ओला उबर रैपिडो चालू कर लेंगे। अगर इसी बीच में कोई अच्छी राइड निकल के आती है तो भाई राइड भी एक्सेप्ट करूँगा। अपन चलते हैं अपने पहले स्विगी के ऑर्डर की तरफ और करते हैं उसको पिकअप। स्विगी का पहला ऑर्डर पिकअप कर लिया है कुछ इस तरीके से, भाई छोटा सा बॉक्स मिला है हमें। जब तक राइड का माहौल नहीं बनेगा तब तक भाई अपन स्विगी चलाने वाले हैं और देखते हैं भाई कब तक अपना स्विगी साथ देता है। मैंने रैपिडो भी चालू कर रखा है, उबेर भी चालू कर रखा है और ओला शायद मेरा बाकी है, अभी ओला भी चालू है और मैं ऑर्डर भी चालू कर लेता हूँ। भाई जो राइड जो ऑर्डर बजेगा सबसे पहले उसी को लेके निकल लूँगा। लोकेशन पे खड़ा हूँ मैडम, ऑर्डर था आपका स्विगी से। छत पे हम खड़े हैं, लड़कियाँ देखो दो लड़कियाँ खड़ी हुई सामने छत पे। ने चुन्नी से बांध दिया, अच्छा खासा जुगाड़ है जी, खींच लीजिए ऊपर चुन्नी से बांध रखा है। अंदर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर से कूद के टीन साइड पे आके भाई चुन्नी से पकड़ा के गए मुझे। 12:00 हो चुके हैं और अपनी पहली राइड हाथ लग चुकी है ओला में। शायद मुझे लगता है भाई आज एग्ज़ाम है, इसी वजह से जल्दी और लंबी राइड हाथ लगी है मैं। और नाइट सर्ज में तो ओला एक नंबर फेर देता है, पर भाई देखना पड़ेगा। और ये उबेर में भी आ गई भाई, अब कस्टमर ने किसी दूसरे के लिए बुक की है तो भाई लोकेशन सही भी निकल सकती है और गलत भी, इसीलिए अपन ने अभी स्विगी ऑफ नहीं किया। अगर करेक्ट एड्रेस हुआ तो स्विगी ऑफ कर देंगे और ओला की राइड ले जाएंगे। ओला बुक की थी हाँ। देखो भाई पैसे कैसे बना के दिए, 97 इनका पेमेंट बना था, पूरे भाई चेंज दिए लड़कियों से। भाई 1 रुपये भी एक्सपेक्ट मत कीजिए भाई, आपको ज़्यादा मिल जाएगा। 11 किलोमीटर की राइड थी, 97 कैश कलेक्ट था और 134 रुपये हमें फेयर मिल गया कि नाइट सर्ज में ये राइड थी तो कस्टमर से कैश लेके बाकी का ऑनलाइन पेमेंट ओला ने अपने वॉलेट में कर दिया है। और 5:36 हो चुके हैं यहाँ पे भाई, सामने बस स्टैंड है। अगर हमें कोई राइड यहाँ से रिसीव हो जाती है तो, वैसे लगता तो नहीं है, जब भी मैं आया हूँ यहाँ से भाई 2-3 किलोमीटर मेरे को खाली निकलना पड़ा है, पर बाय लक अगर काम कर जाए तो यहाँ से अपन निकल भी जाए। अलग काम कर गया और 5 मिनट मतलब 2 या 3 मिनट बाद में ही हमें राइड मिल चुकी है और मात्र 100 मीटर के पिकअप से भाई, 100 मीटर भी नहीं होगा और कस्टमर शायद बस स्टैंड पर बैठे हैं इधर उधर। और बुक की थी क्या आपने? आइए 0385 बैठिए जी भैया। दिया है भैया को ड्रॉप, 60 रुपीज़ का पेमेंट बना था और इसी के साथ राइड भी करते हैं कंप्लीट। ओ भाई आज शायद एग्ज़ाम है, ये देखिए भाई मॉर्निंग के टाइम पे ही सर्ज हो गया कुछ कुछ एरिया में, पर जहां मैं हूं वहां सर्ज नहीं है। सर्ज से अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने पास में आ चुकी है भाई कम से कम 15 किलोमीटर की राइड और वो भी मॉर्निंग के सर्ज में। 11 किलोमीटर की राइड थी, उसका अपन को 134 रुपये मिला था और इसका भी भाई अच्छा खासा फेयर बनने वाला है। टाइम अपन ख़राब नहीं करेंगे और चल देंगे पिकअप की तरफ। इस राइड को ड्रॉप करने के बाद में एक नाइट सर्ज की राइड मिल जाएगी तो अच्छा खासा पेमेंट बन जाएगा अपना। बैक टू बैक 3 ओला में कर चुके होंगे अपन, अभी तक 1 राइड की है ओला में, 1 उबर में और तीसरी राइड जो हम लेने जा रहे हैं भाई ये भी ओला में है। ओला 7 बजे तक नाइट सर्ज देने वाला है। 5:52 हो चुके हैं और अपने पास में 1 घंटा 8 मिनट अभी बाकी है सर्ज की राइड लेने के लिए। इस राइड को छोड़ने के लिए हमें 30 से 45 मिनट लगेंगे। बीबी 2609 अच्छा पीछे से ही लेना पड़ेगा पेटीएम। इसी 93 के पेमेंट के साथ में अपन राइड करते हैं ड्रॉप और नेक्स्ट राइड के लिए हो जाते हैं तैयार। लास्ट राइड का 15 किलोमीटर था और 177 पे हमें रिसीव हो चुका है ओला भाई। नाइट सर्ज में कितना कोड दे रहा है भाई, 93 कैश कलेक्ट किया है और 177 का पेमेंट उनका बना है। पूरे 45 मिनट ख़राब करने के बाद में और 5 किलोमीटर खाली निकल के आए उसके बाद में भाई हमारे पास में उबेर में एक राइड हाथ लगी है। जहाँ पे लास्ट राइड ड्रॉप गई थी वहाँ से भाई मैं 5 किलोमीटर खाली आ गया, तब तक कोई राइड नहीं थी और खाली आने के बाद में भी मैं
आके बैठ गया भाई। इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया भाई जहाँ से राइड वगैरह हमें मिल जाती है वहीं पे मैंने बैठना उचित समझा और वहाँ पे आके मैं वेट करा। वहाँ पे भी हमें 20 मिनट बाद में राइड मिली है क्योंकि भाई मॉर्निंग में तो एग्ज़ाम वगैरह थे इसलिए हमें बैक टू बैक राइड मिल गई। और अब जो है पीक आवर टाइम चालू होगा भाई 8 बजे बाद में और अभी हुआ है 7:30 तक हमें टाइम पास ही करना पड़ेगा। और मैडम सामने खड़े हैं हमारे। वेयर बुक की थी आपने? 417 है मैडम की ड्राई ड्रॉप और यहाँ से भी मुझे 1 किलोमीटर खाली निकलना पड़ेगा तब जाके हमें राइड मिल पाएगी। यहाँ पे भाई कोई राइड नहीं आने वाली है, इंडस्ट्रियल एरिया है। 4-5 घंटे हुए हो गए हैं काम करते और भाई राइड अपन ने ऊबर में ज़्यादा की है पर पेमेंट अभी तक भाई ओला से कम है। हमने ओला में सिर्फ 2 ही राइड की है, उस 2 राइड में भी ऊबर की 4 राइड उससे पेमेंट ज़्यादा है भाई। इतना फ़र्क है ओला और ऊबर के फेयर में। 9333 गलत बता रहा है यार, मैं रास्ता बता दूँगा ऐसे कर लो। फ़ोन के लास्ट 4 डिजिट बताओ। 085। उबेर की राइड खराब हो जाएगा भाई, माँ बम्मा भाइन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। उबेर की राइड हमने कर दी है ड्रॉप, रैपिडो की राइड के लिए निकल चुके हैं क्योंकि ड्रॉप करते ही हमारे पास में रैपिडो ऑन कर लिया था तो भाई रैपिडो में राइड आ गई है। रैपिडो की ये पहली राइड है और पोर्टर में अभी तक एक भी ऑर्डर हमें हाथ नहीं लगा है। ऐसे अच्छा लगता है भाई कस्टमर बाहर खड़े रहे ना तो भाई हमें भी वेट करना नहीं पड़े और उनका भी टाइम खराब नहीं हो। रैपिडो भैया 2898। तो भैया को कर दिया है ड्रॉप, राइड करते हैं कंप्लीट और दूसरी राइड के लिए तैयार हो जाते हैं। 11 रुपये डिडक्ट कर लिए हैं भाई सिर्फ 4 किलोमीटर की राइड के रैपिडो ने। छोटी सी राइड हमने उबेर में ले ली है। अपना ओला भाई अब है जो जवाब देने को आया, 22% सिर्फ रह गया है। उबर बुक की थी आपने? कविता के नाम से विनीता, सॉरी। OTP 9339। 30 रुपये की राइड थी एक छोटी सी उबेर में, इसको ड्रॉप करते हैं। हमारे पास में फिर से राइड आ चुकी है और इस बार फिर छोटी आई है और हम एक्सेप्ट ही छोटी कर रहे हैं क्योंकि भाई अपना ओला बस 19% रह गया है तो अब मैं छोटी छोटी राइड करता रहूँगा और अपने घर के 4-5 किलोमीटर के एरिया में ही राइड करूँगा। तो भाई जब भी मुझे लगेगा हाँ भाई अब मेरा ओला जवाब देने वाला है तो मैं घर पर निकल जाऊँगा। आप कहाँ पर खड़े हो? अब ये राइड होगी कैंसिल भाई क्योंकि कस्टमर ने पिकअप लोकेशन गलत डाल दी है, इसी कारण उनकी राइड अपन को कैंसिल करनी पड़ेगी। कैंसिल करने के साथ ही आज का सफ़र हमको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि अब बैटरी अपना ओला जवाब दे चुका है और समय भी जो पार्ट टाइम में 5-6 घंटे काम करता हूँ वो पूरा हो चुका है। और आज देखते हैं भाई अपना ओला कितना चला है। 90 किलोमीटर अपना ओला चल गया है और 18% मतलब अभी भी मेरी 20 किलोमीटर ओला चल सकता है। 90 किलोमीटर के सफ़र में हमने 3 ऐप में काम किया है, ओला उबर और रैपिडो। एक ऑर्डर अपन ने किया था स्विगी का, 256 रुपये का अपन कर चुके हैं उबेर में। रैपिडो में है 37 की, ऐड की है अपन ने ओला में 379 का ये पेमेंट है। और अपन ने अपनी ओला को 90 किलोमीटर चला के 5.5 घंटे स्पेंड कर दिए और इस 5.5 घंटे में हमारी चारों ऐप की अर्निंग हुई है 712 रुपये। दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही ओला उबर रैपिडो के रिगार्डिंग सब वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।